हाँ जी ऐसी गोली बनी है, गीला हो गया ना। कोई बात नहीं, यहाँ पे पूजा की कुकिंग हो चुकी है। चलो गुड मॉर्निंग। भाई बढ़िया गरम गरम पकौड़ियाँ हो चुकी हैं रेडी। तो ये वाली पकौड़ी जो है स्पेशली जो है पूजा के लिए हैं, है ना जी। ये पूजा के लिए बनाई है सुबह सुबह वाली, तो बाकी एक्स्ट्रा बनाते रहेंगे। तो यहाँ पे लगे हुए हैं भाई और पूजा पूरी बनाने पे। मेरा काम है सिर्फ घूमने का, तो मैं जा रहा हूँ फिलहाल घूमने, डायरेक्ट मिलूंगा शाम को भाई लोगों। तो भाई मंगल स्नान होने के बाद चमक गया। हे गाइस वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब लोग, कहा आप सब बढ़िया होंगे। तो यार आज है भाई 23rd of June। तो आज का दिन फिर से बहुत स्पेशल है और आज का पूरा ब्लॉग फिर से फैमिली ब्लॉग होने वाला है। तो आज का स्पेशल ये है कि भाई आज है हमारे अयांश का पहला बर्थडे, तो जिसके लिए हम स्पेशली गांव आए हैं उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो अभी बस सब लोग लगे हुए हैं अपने काम में, तो मैं जा रहा हूँ मार्केट क्योंकि मुझे लेके आना है केक। हमारे आसपास मार्केट है बट वहाँ पे बेकरी वगैरह नहीं है, तो जो मेन मार्केट है वहाँ मुझे जाना पड़ेगा और वहाँ जाने में लगता है 1-1.5 घंटा। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ मार्केट, बाकी सब लोग लगे हुए हैं काम पे क्योंकि पंडित जी लोग आए हैं, पूजा वूजा चलेगी दिन भर, तो मैं आने के बाद ही ज्वाइन कर पाऊँगा। तो चलता हूँ आगे, बने रहो आप ब्लॉग में, मिलते हैं फिर आगे। आज मौसम जो है थोड़ा सा बदला हुआ है क्योंकि बारिश आने के चांसेस हैं। फिलहाल तो धूप लगी है बट बारिश आने के चांसेस भी लग रहे हैं, तो देखते हैं बारिश ना आए तो ज़्यादा बेटर है। मैं थोड़ा दिखाता हूँ क्या क्या चल रहा है नीचे। यहाँ पे पूजा की कुकिंग हो चुकी है। चलो गुड मॉर्निंग। तो पूजा बना रही है ब्रेकफास्ट, बहुत अच्छा लग रहे हो, और बाकी का माहौल दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे लगे हुए हैं भाई और पूजा पूरी बनाने पे। मेरा काम है सिर्फ घूमने का, तो मैं जा रहा हूँ फिलहाल घूमने, डायरेक्ट मिलूंगा शाम को भाई लोगों को। दिखाते सुबह सुबह पहली वीडियो भाई लोगों की है, रात तक भाई जी लोग फ्रेम में। और यहाँ पे पूजा बन रही है इस रूम पे, तो यहाँ मैं अभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। बच्चा पार्टी सब रेडी है, पापा जी भी लगे हुए हैं, पापा का काम बहुत सारा है आज, पापा जी भी अपने उसमें लगे हुए हैं। तैयार होगी तू पिट फोर चल पर। और ये मेरी बुली, ए बुली नहीं, ये मेरी दीदी है और मम्मी को तो सबने देख ही लिया। तो भाई सबसे पहले नाश्ता जो है मैं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पहले मैं जा रहा हूँ मार्केट और मेरा काम से भी इधर उधर ढड़कना, ठीक है, तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहा हूँ, इसका सीधा मिलूंगा आपको आगे। और मस्त मस्त गरम गरम पूरी और आलू की सब्जी बनी हुई है भाई। तो यार फाइनली मैं आ गया भाई रोड पे और अपनी धन्नो जो है इधर ही खड़ी है। तो जब से रोड बनी है ना बहुत हेल्प हो गई यार, तब गाड़ी वाड़ी सब इधर ही रहती है, तो टेंशन नहीं होना, मार्केट जाने के लिए सोचना पड़ता है। और जो गांव की गाड़ी है ना वो निकलती है मॉर्निंग 6:30-7 बजे, तो उस टाइम तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब तो रोड है तो सब लोगों ने अपनी अपनी गाड़ी रखी हुई है, और मैं आज अपने साथ अपनी बुली को भी लेके जा रहा हूँ। प्राची देख तो मैं अपने साथ बुली को भी लेके जा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सामान है तो स्कूटी में चाहिए होगा वही पकड़ने के लिए। तो अभी मैं आपको सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ भाई अपने पहाड़ों की। ये पानी जो आ रहा है ना ये बिल्कुल नेचुरल पानी है, ठीक है, ये इधर से आता है पूरा। और इस पानी की सबसे खासियत बात ये है कि ये गर्मियों में बहुत ठंडा आता है और सर्दियों में नेचुरल, मतलब बोलते हैं ना हल्का सा वार्म वैसा वाला हो जाता है। तो ये बहुत नेचुरल बात है और बहुत ही प्योर वाटर होता है और ये बहुत अच्छा होता है। तो थोड़ा मैं अभी पी लेता हूँ। तो फाइनली यार मैं मार्केट आ गया, मुझे थोड़ा बहुत सामान लेना था वो सब लेके, और हमने केक करवाया था अयांश का, यहाँ से किसी ने शॉप हमें बहुत रिकमेंड करी थी तो यहाँ से हमने केक करवाया था। केक ने जाना है बहुत दूर इसलिए उसकी पैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमने वजह से रिक्वेस्ट करी थी इसको बढ़िया से फ्रीज करके रखा हुआ है क्योंकि अभी मुझे घर पहुँचने में पूरा 1.5 घंटा लग जाएगा, तो हम नहीं चाहते केक ख़राब हो जाए। भाई ये देखो केक को मैं ऐसा ला रहा हूँ जैसे पिज़्ज़ा लाते हैं ना पैक करके,
तो ये केक जो है पूरे 40 किलोमीटर से आया है, क्योंकि आसपास मार्केट में ऐसे मार्केट में हमारे यहाँ प्रॉपर बेकर्स नहीं हैं, तो ऐसे बर्थडे वर्थडे के लिए केक बहुत मुश्किल हो जाती है। और घर पहुँचते ही मेरे को ये देखा तो अच्छा लगा ये देख के। हेलो, देखो अच्छा लगता है तुमको ऐसे देख के मुझे, है ना। तो सास जी भी रेडी है यहाँ पे बढ़िया ढंग से, सब मैं ही भूत बन गया हूँ। और कौन आ गया, शायद बुआ जी आ गए हैं, तो मिल लेते हैं सबसे। और मुछी भी रेडी हो रखी है। और कौन कौन आ गया भैया, बहुत मेहमान आ गया हमारे। हाँ, और यहाँ पे बुआ जी ऑलरेडी पहुँच गए हैं भाई। तो ये है मेरी छोटी बुआ, बड़ी बुआ मैंने आपको पिछले उसमें दिखाई थी, पहले नमस्ते कर लेते हैं जी। तो आज इनका है बर्थडे भाई साहब, बिल्कुल तैयार हो रखे हैं। तो यांस का आज जो है मंगल स्नान भी हो गया, ये एकदम चौंक गया, क्योंकि ना नींद में था बेचारे के ऊपर ठंडा ठंडा पानी डाल दिया। यार अभी मैं जा रहा हूँ भाई गाय की, मतलब बच्ची को लेने। तो बच्ची बोलते हैं हमारे यहाँ किसको, जैसे गाय की छोटी छोटी गाय जो होती है ना उसको बोलते हैं बच्ची, तो उसकी भी पूजा होती है, इसलिए हम जा रहे हैं। और मैं लेके जा रहा हूँ अपने साथ, इधर आना जल्दी, वो जल्दी आया यार, ये मेरे को लेके जा रहा है, ये गाइड है मेरा आज, ठीक है। तो पूरा गाँव मेरे को यही घुमाएगा, और अभी वो लेने जा रहे हैं। और उसके बाद अभी होगा इवनिंग के खाने की तैयारी। तो गांव में क्या होता है ना कि कोई भी फंक्शन होता है तो सब लोग मतलब इनवाइटेड होते हैं, डिपेंड करता है कितना बड़ा फंक्शन है उस हिसाब से, तो सब लोग मिलकर ही काम करते हैं। गांव में ऐसा नहीं होता कि आप बाहर से बुलाओ कैटरिंग वाला सीन, कुछ लोग करने लग गए हैं अभी, बट मोस्टली जो छोटे मोटे फंक्शन ऐसे होते हैं सब गाँव के लोग ही मिलकर करते हैं। अभी मैं गाँव के अपोजिट साइड में हूँ, ये वाला जो पार्ट है ना गाँव का, ये हमारा थोड़ा अलग से है, यहाँ पर कम से कम 7-8 घर हैं। ये भाई बहुत तगड़ा बनेगा ये देखना, चीता। तो अभी हम जो हैं इनको लेके जा रहे हैं भाई ऊपर, क्योंकि आज इनकी पूजा है। देखो भाई सांस फूल गई है बहुत ज़्यादा। फाइनली हम लेके आ गए गौ माता को घर पे, बहुत मुश्किल हुई लाने में। अभी जो है मेन काम स्टार्ट हो चुका है चाचलों की तरफ से, और ये सारे बर्तन जो है ना हमारे ये पे, ये मैंने बताया था जैसे ये पांडव चौक है, इसके अंदर रूम है, तो जितने ये सारे पंचायती बर्तन है ना ये सारे इसके अंदर ही रहते हैं। और जब भी गांव में कोई भी फंक्शन होता है तो ये सब के लिए यूज़ होता है, मतलब जिसके घर में भी फंक्शन होता है ये बर्तन वहीं जाते हैं। इस पर क्या चढ़ेगा, हाँ हाँ इसमें बनाएंगे नूडल्स, आज नूडल्स भी बन रहे हैं, बाकी प्रिपरेशन यहाँ चलेगी। अभी गाय माता की पूजा जो है चालू हो चुकी है, तो सामने हैं भैया भाभी और अयांश, तो ये सारा फंक्शन आज अयांश का ही है। यहाँ पे कटिंग चल रही है बिल्कुल सही, बढ़िया व्यू के साथ सामने, यहाँ करेंगे अभी नूडल्स बॉइल्स, और उसके बाद यहाँ बन रही है ग्रेवी, तो ये चलेगा बढ़िया। अभी ये वाले बर्तनों की मैं बात कर रहा था, ये ना सारे जैसे लोटे हैं, बाल्टियाँ हैं, करछियाँ, और ये सारे बड़े बड़े बर्तन जितने हैं ना ये सारे काम आते हैं जो बड़े फंक्शन होते हैं, शादी वादी होती है, शादियाँ होती हैं गाँव में, तो उन सब चीज़ों के लिए ये बर्तन जाते हैं। यहाँ पे हो चुका है डेकोरेशन की तैयारी शुरू, और इंचार्ज को बना दें, हमने इंचार्ज बना दिया हमने पूजा को, तो बच्चा बाड़ी बहुत है तो हमने इनको इनके लायक ही काम दे दिया। अरे तो बहुत अच्छा बना दिया तुमने, वेरी नाइस। ये सब शर्माते हैं कैमरे को देख के, बलून्स हैं भाई, हम अयांश के लिए स्पेशल लेके आए हैं, मैं ऐसे भी लगा देता हूँ कैमरा ऐसे। हेलो बोल दो, हेलो 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 हेलो। अब जाके फाइनली ग्रेवी हो गई रेडी, हमारे शेफ साहब इधर हैं, परमानेंट शेफ हैं हमारे ये,
मतलब इन्होंने गांव में कितनी शादियां करा लिया आपने? कम से कम 50 से ज़्यादा हो गए होंगे। हमारे परमानेंट शेफ़ हैं गांव के। और इधर नूडल्स भी सारा सेटअप रेडी हो चुका है। और ये चल रहा है रात के कॉकटेल पार्टी का सेटअप यहाँ पे चाचा लोगों का। और यहाँ बनेंगे अभी क्या चिली चिकन बनने वाला है। चिली चिकन बनने वाला मतलब डायरेक्ट। सो लेडीज़ पार्टी का भाई काम चालू है यहाँ पे ऑलरेडी रोटी का। तो ये बन रही है बिल्कुल चूल्हे वाली रोटी आराम से। हंस क्यों रही तू? हाँ ये बहुत बढ़िया बना रही है, बढ़िया एक्सपर्ट हैं ये। बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद है सबका साथ में। इंचार्ज भी चाहिए होते ना देखने के लिए कौन गलत कर रहा है कौन सही। इधर चाची लोग सब हेलो 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 अच्छी वाली। अरे बहुत सुंदर आ रहा है, बहुत सुंदर, टेंशन मत लो। तो यहाँ पे सारा सेटअप जो है भाई रेडी हो चुका है और अभी चल रहा है भाई का फोटोशूट, क्योंकि ये ना बाद में चिढ़ जाएगा ये बाद में चिढ़ जाएगा, तो अभी फोटो वोटो खिंचवा लेते हैं फटाफट। और एरिया बहुत कंजेस्टेड हो गया अभी और यहाँ पे तो ऑलरेडी प्रेप चल रहा है। और जो मेन पार्टी ऊपर छत में होने वाली है और यहाँ पे काटेंगे हम केक वेक, तो बस थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, सब लोग रेडी हो जाएं एक बार। तो भाई बच्चा पार्टी सारी आ चुकी है, पता नहीं आवाज़ आएगी नहीं आएगी अभी, बट अब हम केक काटेंगे सारे के सारे चलो लगाओ कैंडल्स बड़ा। तो ऐसा कुछ होता है भाई गांव में खाना पीना, ठीक है, जब भी कुछ पार्टी वार्टी होती है तो शादी वादी होती है कुछ भी होती है तो खाना पीना ऐसी कुछ होता है, सब लोग नीचे बैठ के ही खाते हैं। जूम करके दिखाऊं आपको? खाली प्लेट है तो अभी सब लोग बैठ गए खाना पीना खाने, तो खाना आ रहा है वैसे अभी। तो भाई खाना पीना खा के अब सब लोग जो हैं सो गए हैं और बर्थडे बॉय भी सो गया है, ये देखो कैसे सो रहा है। और भाई इतना सारा खाना बचा हुआ है अभी, ठीक है, अभी इसका क्या करेंगे हमें भी नहीं पता। तो हाँ कुछ हमने फ्रिज में भी रख लिया। तो भाई आज का पूरा दिन हो गया ख़त्म और मतलब शकल के बज चुके हैं बहुत ही, 12-14 सब बज गए हैं शकल में, ठीक है। तो बहुत ही मज़ेदार दिन रहा आज का, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्दी नए ब्लॉग के साथ, टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय। और ये ब्लॉग बहुत अमेजिंग होने वाला है। तो और एक और बात, मेरे ऑलरेडी 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो ये भी एक खुशी की बात है। तो कीप सपोर्टिंग गाइस, मिलते हैं बहुत जल्दी नए ब्लॉग में।